वेलकम बैक व्यूवर्स, अची वियासीं नंढड़ी साई खां पोइ मुंहिंजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में, ऐं उमेदु आहे हिकु भेरो वरी तव्हां सां गॾु हूंदव। ऐं इहो फ़ोन सुपर कार्ड प्लस फेसबुक फ्री प्लीज़ यूज़ कयो, या फैसिलिटी अवेल कयो। असां सां गॾु ॿियो गेस्ट जेको असांजो आहे, फेमस मीडिया पर्सनैलिटी, शी इज़ अवेलेबल हेयर, ऐं हींअर असां सां गॾु आहिनि। तारीफ़ तव्हां सां कलायूं करायूं त टी वी स्टार आहे नेशनल मीडिया जी, मिस जहान आला। अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूं। तबीयत ठीक है आपकी? जी। और आप मुझे बताएं कि आज आपका क्या जो है वो है, इंटरेस्ट है? आप इमोशनल में किरदार करके दिखाएंगी, कौन सा एक्ट करके दिखाएंगी, एंग्री या फिर सौतन बन के दिखाएंगी? वैसे इनका जो सिटकॉम चल रहा है कॉमेडियन, उसमें तो आप सौतन बनी हुई है, सेकंड वाइफ है। जी हाँ, मैं सौतन बनी हुई, लेकिन बहुत अच्छा है, चटपटा सा कैरेक्टर है। अच्छा। और हम बहुत इंजॉय करते हैं उसमें। तो रियल लाइफ में अच्छा लगेगा आपको ये? नहीं, नहीं। हम ड्रामे भी देखते तो हम काफी इंजॉय करते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर रियल लाइफ में किसी के साथ इस तरह की सिचुएशन हो तो कॉमेडी तो नहीं होगी। हाँ, वो स्क्रिप्ट इस टाइप का हो जाता है ना कि एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, नोक झोंक हो रही है, इस तरह के डायलॉग होते हैं, तो बस। और बस अच्छा है कि लाइफ को कोई मकसद मिल गया, लाइफ बिजी है। जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं है ना, तो वो सौतन बन जाए किसी की। सही सही। और आज वर्ल्ड टेलीविजन डे है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? वर्ल्ड टेलीविजन डे, नॉट मीडिया डे। जी, मैं यही कहूंगी कि अगर हम टीवी जो है हमें एक तरह से आपको एक पॉजिटिव मैसेज दे रहा होता है, कुछ लोग होते हैं जो इसको बहुत नेगेटिव समझ रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत पॉजिटिव, तो मेरा ख्याल है अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं तो टीवी बहुत बेहतर है हमारे लिए। हमें पूरी दुनिया जहाँ की इंफॉर्मेशन मिल रही होती हैं, आपको अवेयरनेस मिल रही होती है, आप एजुकेटेड हो रहे होते हैं, आप अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं टीवी के थ्रू या आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, तो हर चीज में आपके हाथ में है। अब टेलीविजन है कि वर्ल्ड टेलीविजन डे, क्योंकि पहले पहले आई थी टीवी स्क्वायर जो हम घर में रखते थे, कभी डिश कभी एंटीना, बाद में आस्ते 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 टेक्नोलॉजीज आती गई। अब ये कि वर्ल्ड एलसीडी देखते हैं, कब आएगा वर्ल्ड एलसीडी डे, वर्ल्ड मोबाइल डे, ये भी आएंगे जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी जो आप सौतन का रोल प्ले कर रही हैं, उसमें आप कोई एक्ट करके दिखाएं तो प्लीज करके दिखाएं। उसमें बेसिकली मेरा कैरेक्टर इस तरह से है कि मैं बहुत नखरे दिखा रही हूँ अपने मियां तो को। नखरे दिखाएं ना आप, यहाँ पे हम देखना चाहते हैं। यहाँ मैं कोई डायलॉग क्या बोलूँ, जैसे मैं मेरी सौतन होती है कोई बात पे किसी पे, जैसे सौतन बन जाती है। ठीक है, आप मुझे कुछ डायलॉग दीजिए। अब जैसे ये मुझे कुछ कह रही है ना, तो मैं फौरन अपने मियाँ का तस्करा कर देती हूँ। देखिए जी, आप क्या चाहती हैं कि मेरी उनसे लड़ाई झगड़ा हो जाए? हाँ, तो हो जाए, क्यों नहीं होता है? लड़ाई झगड़ा होना चाहिए तुम दोनों का। तुम सौतन बनकर आई हो मुझ पे। ना जी ना, मेरे खावन मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कोई नहीं, पहली मैं हूँ, तुमसे मोहब्बत नहीं करते, मुझसे करते हैं। आपसे मोहब्बत करते तो मैं आती ना। तो इस टाइम की ना नोक झोंक, और वो खैर रियल लाइफ में तो अल्लाह ना करे किसी के साथ सिचुएशन हो। आपसे मोहब्बत करते तो मैं आती ना। लास्ट वन वाज गुड। ये तो है जी। ऐसे ही होता है। हाँ, ऐसे ही होता है, शायद ऐसे ही होता, शायद ऐसे ही होता। अच्छा, मुझे भाव बस शादी कई हुई ने उन्हें जी, फर्स्ट जेका है हकीकत ही हुई। हाँ ना, फर्स्ट जेका है ना, उनके हाथ छड़े बैठे हुआ। अच्छा, मकसद तलाक कौन थी या ना डिवोर्स कौन थी या बाकी हुआ आहे से ही पने फर्स्ट मां ना बार बार आहे तो। हां, फर्स्ट मां सेकंड मां कौन है? वो संभालिंदा था होता ना। हां हां, तो वो दैट इज ना संभालिंदा। ठीक है, सेकंड मां कंदो ही तदया जदे मन पेरे मां थोड़ो मन बेजार हो जे या सही मन कंफर्टेबल ना। नहीं गाल हुआ तो पहला ही रीजन से मां एक भाई गड भाई गड रहन ने, पर भाई कंप्रोमाइज न थियो करे सगन भले के भी हो जे, मुश्किल की तो मिले। ये तो होता है, नहीं होता कौन नहीं होता ना, आप सेट पे कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। हाँ, वहाँ पे जाहिर है सब हो जाता है सीनियर। और अच्छा, वो जो एक्टर एक्टिंग कर रहे होते हैं बनी हुई है मेरी सौतन, पर वो जो एक्टिंग कर रहे होते हैं आपके जो हस्बैंड है उसमें कॉमेडी सेट में, तो उनके आप देख रहे होंगे कैसे चटनी जो है वो बेचारे जी बहुत है। वही देखती हूँ उनको, एक तरफ वो बेगम जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो अपनी तरफ खींच रही है, उन्हें ऑर्डर कर रही हैं, वो डर भी रहे हैं उनसे, फिर मेरी तरफ भी आना चाह रहे हैं। एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा
अपने दिमाग को छोटी सोच से थोड़ा निकालें और अगर अपनी सोच को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं तो आप ये देखें जो बंदा मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है कि ठीक है अगर हो गया फिर हक बराबर देना है तो वो कितना फेस कर रहा होता है। ठीक है ना, आप खुद को छोड़ के अपनी जो है वो छोटी छोटी ख्वाहिशात को छोड़ के अगर वाकई जिम्मेदारी पे आए कि वो संभाल के सर आए घर को रन करना है टाइम प्रॉपर देना है दैट इज वेरी हार्ड। ठीक कह रही है, दिस इज वेरी हार्ड। और आपका पीटीवी पीए फुफ्फो अम्मा जी इमोशनल सीरियल था बहुत ज्यादा और मुझे अपना ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया था। हैदर इमाम रिजवी साहब इसके डायरेक्टर थे और मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैंने उसमें ज़हीन तायरा साहिबा के साथ काम किया था, वो मेरी मदर का कैरेक्टर कर रही थी उसमें और बहुत इमोशनल मेरा कैरेक्टर था कि जैसे दिखाते हैं कि कॉम्प्लेक्स का शिकार बच्चे होते हैं, मैं MBBS कर रही हूँ और मामू के घर रह रहे हैं, मामू बहुत अच्छे हैं लेकिन जैसे होती हैं टिपिकल मुमानिया कि वो खाने को नहीं दे रही, तंग कर रही हैं हर तरह से, माँ से काम ले रही हैं बहुत ज्यादा, इस तरह का था। मुझे टिपिकल मुमानी कैसे बोलती हैं जरा बोल के दिखाएं। उसमें भी नईमा गरज मेरी मुमानी बनी थी। इसमें भी मेरे साथ नईमा गरज था। तो बताएं टिपिकल मुमानी कैसे बोलती हैं, ये आप बन जाएं टिपिकल मामी और आप मज़लूम बन जाएं करके दिखाएं। मैंने आपसे कहा था ना कि जल्दी जल्दी काम निपटा लो, उसके बाद आकर आप मेरे सामने बैठो और मुझे बताओ कि ये काम सही किया है या नहीं किया। मुमानी जान पूरे दिन तो मैं काम करती रहती हूँ। कोई नहीं करती, ये देखो कितनी डस्ट पड़ी हुई है। इतनी हवा चली है, डस्ट तो आएगी ना, मैं दोबारा डस्टिंग कर दूंगी। हाँ जल्दी करो, बस जब देखो क्यों ना सही। मुझे बारन जे मथा वडा वडा पुट दिना वया ऐं अहिड़े हवाले सां माशाल्लाह सां ख़ैर मां त आहियां मां मूंखे जी माशाल्लाह टे पुट बि आहिनि। पंहिंजे ई को किरदार को एक्ट करे ॾेखारियो जेके तव्हां करे चुका आहियो। हा इमोशनल इलाही कया आहिनि, मां इमोशनली कंदसि। मूंखां मक़सदु आहे त उहो रोल अञा ताणी कोन थो विसरे जेको मूं फर्स्ट ड्रामो कयो हुयो। पहिरियों स्टार्टिंग भुलजंदी बि न आहे, सिम टीवी जो ई हुयो। अच्छा ज़बरदस्त। हा सो हुन में जेकर मुआसी ड्रामो हुयो, मां दादी बि थींदी आहियां, मां पहिरीं माउ हूंदी आहियां, रुगो सिलाई पई कंदी आहियां, वेठी रोईंदी आहियां नंढड़ा ॿार हूंदा आहिनि उन्हनि खे पाले पोसे वॾो कंदी आहियां, पोइ बि सिलाई कंदा आहियो। पोइ बि सिलाई कंदी आहियां, बाक़ी दादी थी वेंदी आहे त पोइ खंग थी वेंदी आहे, मक़सदु बीमार थी पवंदी आहियां, पोट लाइ ॾाढो मां मरंदी आहियां, पोइ मुंहिंजी नुंहुं हूंदी आहे उहा पोटो मूंखां खसे वेंदी आहे, बसि उहो सम्झो त ज़िंदगी जो ईअं लॻंदो आहे जहिड़ो मुंहिंजो ओरिजिनल करेक्टर हुजे। उन ड्रामे में ॾाढो सुठो लॻो मूंखे, हार्ड बि आहे ईज़ी बि आहे, लेकिन हाँ क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हो आप दिल से कर रहे हो, बट आई थिंक एक्टिंग कभी भी इजी नहीं है क्योंकि आपको पूरा जो किरदार होता है उसमें खुद को ढालना पड़ता है जी, और फिर आपको कुछ एक सीरियल के बाद फिर आपको दूसरी पर्सनालिटी होनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक कह रही है, वो उसमें फिर हो जाती है थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस। अभी आपको जब तक ये सिटकॉम चला है तब तक आप सोतन की तरह लगेंगे सबको, आपका बिहेवियर, चलना, उठना, तैयार होना, अभी भी देखिए आप पूरी वाइफ लग रही है, सजी सवरी सेकंड वाइफ, मतलब सेट पे भी मॉर्निंग शो में भी आप तैयार होके आई है। बिल्कुल गया था ईस्टर्न कपड़े पहन, मतलब आप सेकंड वाइफ लगनी चाहिए, है ना, बिल्कुल प्यार हमेशा, जबरदस्त जबरदस्त। इसका कोई और आपको यादगार जो कॉमेडी है सेकंड वाइफ की, कोई ऐसा डायलॉग या कोई ऐसा सीन? मैंने और भी किए हैं, मैंने बुलबुले नहीं, नहीं सौतन वाला, सौतन वाला, सौतन वाला तो बस यही इतना ही था। हाँ यही है। ओके, बुलबुले में भी किया आपने? जी उसमें भी मैंने 8 एपिसोड्स की थी बुलबुले की। ओके, तो उसकी कॉमेडी, लेकिन ये है कि स्टार्टिंग में अभी तो लेकिन ये इसमें मेरा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, मैं प्रॉपर जितना चाहती हूँ मुझे मार्जिन है परफॉर्म करने का, मैं अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ। तीन हमने एंटी पॉलर वाली भी किया था, उसमें हमारे साथ
सलीम मेराज साहब थे, खालिद अनम साहब थे, गुले राना आपा थी, मैं थी, इस तरह का हमने वो, उसके बाद वो भी सिटकॉम ही था। बुलबुले में आपका कौन सा था किरदार? बुलबुले मैंने काफी एपिसोड्स किए हैं इनकी। एक में वो ये था मैं स्नैचर होती हूँ, कार स्नैच कर लेती हूँ। एक में था मैं मंजन बेच देती हूँ उन लोगों को आगे, उसमें उनकी गाड़ी निकल आती है। और वो एक में था मैं पड़ोस में आती हूँ तो उनसे नबील से और महमूद साहब से खूब काम करवा रही हूँ, उनसे पकौड़े तलवा रही हूँ, आखिर में हस्बैंड को लेके पहुंच गई। तो इस तरह का और भी किए थे। सही, वैसे महमूद साहब कर एक्टिंग रहे होते हैं, वैसे लग रहा है कि डरा रहे होते हैं बस शाउट करके बोल रहे थे। ओह माय गॉड, सही के। तो इमोशनल, आपको जब इमोशनल किरदार मिलता है, इमोशनल रोल जब आपको मिलता है, तब आप इजीली कर लेती हो या नहीं, आपके लिए थोड़ा हार्ड होता है? मुझे ऐसा लगता है मैं इमोशनल कैरेक्टर इजीली कर सकती हूँ क्योंकि मैंने TV1 से किया था, आजकल वो शायद रिपीट भी हो रहा है, परिजात। परिजात तो उसमें मेरा बहुत इमोशनल कैरेक्टर था कि एक लड़की होती है बहुत स्ट्रगल करती है, NGO चला रही होती है, पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, भाई बहुत बिगड़ जाता है, इस उसमें लगा रहता है कि पैसे बहन से लेके खर्च कर रहा है याशियों में, वो बहुत, फिर वो एक बंदा आता है उसके ऑफिस में उसे पसंद करने लगती है तो वो किसी और लड़की से शादी कर लेता है। कि आखिर में ना वो बंदा उस टाइम, सब हालात नॉर्मल उस टाइम होते हैं जब उसे ब्लड कैंसर हो जाता है। उस कैरेक्टर को इस तरह का था, मुझे बहुत अच्छा लगा था उसमें जो मेरी डायलॉग डिलीवरी थी वो मुझे अच्छी लगी बहुत। अच्छा जहानारा, मुझे आप ये बताएं कि लड़कियों के लिए आजकल जो है यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनके लिए बड़ा किसी को क्रेज होता है ना, किसी को एक्टर बनना है, मॉडल बनना है, तो आप क्या समझेंगे कि स्कोप कैसे है और क्या लड़कियों के लिए फील्ड अच्छी है? देखिए डिपेंड करता है, अब हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, अब आप पे डिपेंड करता है आप अच्छी गैदरिंग में जाएं या आप बुरी गैदरिंग को चूज़ करें। ये बिला वजह का ब्लेम होता है कि जी ये फील्ड बुरी है, कोई फील्ड अच्छी नहीं होती। कहते हैं ना हर मस्जिद में नमाजी और हर मैखाने में शराबी नहीं होता। तो सेम यही है यहाँ, लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू। जी बिल्कुल, अगर आप कहीं फ्लॉ या कुछ ऐसे देखते हैं कि आपके लिए वो सिचुएशन सही नहीं है, देन यू कैन लीव इट। पर अगर आप बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये नहीं है कि यहाँ पर आ गए, आप पे फर्ज है कि आपने हर हाल में एक्टिंग ही करनी है, हर हाल आप देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी ये चीज़ मेरे कैलेबर की नहीं है, मैं इतना एक्सट्रीम पे नहीं जा सकती, आप उसको स्विच कर दें, दूसरा काम ले लीजिए, दूसरा ड्रामा कर लें, कोई और प्रोडक्शन हाउस चले जाएं, कोई ऐसा इशू थोड़ी होता है। बिल्कुल, ये और आप इसके टेलीविजन और आजकल की सोशल मीडिया के बारे में क्या कहेंगे? पहले जैसे टेलीविजन होती थी, सारी फैमिली एक साथ बैठ के TV ऑन करके कि ये सीरियल आएगा, केबल है और जो है, या पहले डिश एंटीना और ऐसे TV या ब्लैक एंड व्हाइट TV चल रही होती थी, सब बैठ के इंतजार कर रहे होते थे। मुझे तो कुछ ही साल याद है अपने, उसके बाद तो ये डिश और यही आ गए थे, सब मुझे याद है। तो सब साथ बैठ के देख रहे होते थे, पर जैसे जैसे फोन्स, पहले कंप्यूटर पहले बच्चे उसमें बिजी हो गए, देन मोबाइल फोन्स आ गए, और फिर रोज इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट सोशल मीडिया की वजह से TV का रुझान जो टेलीविजन का है वो बहुत कम हो गया। तो इसके लिए अब इसके नुकसान क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि दूरियां हो गई हैं बहुत ज़्यादा। आप अपनी फैमिली में बैठे होते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं कंटिन्यूसली, कि आपको ये नहीं पता आपके पेरेंट्स बीमार हैं, उनको भी आपका टाइम चाहिए, कुछ है टाइम चाहिए, तो चाहे बीमार ना हो आपकी वजह से बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल, कभी कभी मुझे ही फील होता है जैसे अब मैं फेसबुक पर कोई है, मैं उनको रिप्लाई कर रही हूँ लेकिन मुझे फील हो रहा है मेरी अम्मी मुझे इनके पाँव दबाने, अम्मी के, मैं सोच रही हूँ बस अभी दबा दूंगी ना, बस ये खत्म हो जाए कन्वर्सेशन। फेसबुक में होते हैं अम्मी अब मोबाइल पे होते हैं, जिनको आ गया चलाना, जिनको सिखा दिया है, किसी को आपने फोन दे दिया है, तो बहुत बड़ी गलती कि आपने अम्मी अब्बू को फोन दे के दूरियां हो गई हैं। बिल्कुल, मुझे ये चीज इतनी पसंद नहीं। एक लिमिट में रहना चाहिए, हर चीज लिमिट में होना, एटलीस्ट आपके प्रॉपर टाइमिंग हो, डाइनिंग पे आप साथ हो, कोई सीरियल देख रहे हैं आप साथ हो, पिकनिक पे आपके फोन्स बंद होने चाहिए। ये वो ये जैसे तकाफ में जाते हुए ना हमें वो कंप्यूटर की लीडर निकाल देती है रूम्स में से और फोन्स अपने पास रख लेती है, लैपटॉप छीन लिए जाते हैं कि अब ये बच्चा तकाफ में है तो ये 10 दिन हदीसें दे दी, बुक्स दे दी, नमाज मुसल्ला वगैरह, कि किसी भी टाइम पे वो ना स्टार्ट करे TV कंप्यूटर या कुछ भी ना, तो ये भी वैसे ही होना चाहिए। जी ठीक है। म्यूजिक सुनती हैं? थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हैं? गुनगुना नहीं सकती। कौन सा सिंगर अच्छा लगता है आपको? मैं बस ऐसी, मुझे सिंगर्स के इतने मुझे नाम नहीं पता किसी के, आतिफ असलम है या नुसरत फतेह अली खान को बहुत सुनती थी। अच्छा। राहत फतेह अली खान स्पेशली। मेरा इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है म्यूजिक में,
बस जो भी किसी ने अगर ऑन कर दिया सुन लिया। ओके ठीक है, फिर आपको यहां भी कलेक्शन सुनाते हैं एक जबरदस्त कलाम उस्ताद बाद रहे की आवाज में। मुझे सूफियाना कलाम पसंद है। वैसे एक बात बताइए, गाना आपने किसके लिए गाया? आपके बच्चों के लिए। आप कितने बच्चे हैं? मेरी 3 बेटियां हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी कितनी बड़ी हैं? माशाल्लाह बड़ी बेटी है 13-14 साल की। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत आपने जबरदस्त अंदाज में कहा मेरी बेटियों के लिए है। बिल्कुल जी, आपने सिंगिंग कब से शुरू की है? 3 years ago. कैसे अचानक ख्याल आया कि आप सिंगिंग भी कर लो? असल में मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है, तो उसमें सिंगिंग मॉडलिंग एक्टिंग सिखाई जाती है, तो सिंगरों को देख देख के मेरा भी शौक हो गया। आपका भी शौक हो गया, मैं भी ट्राई कर लूं। फिर आपने सीखा या ऐसे ही शुरू? ज्यादा फैशन शोज करती हूँ। अच्छा, फैशन डिजाइनर है आप? ऐसे रैंप हो गई और दूसरे फैशन डिजाइनिंग जो होते हैं व्यूअर्स के, तो मुझे शौक तो था पहले से ही, लेकिन देख टाइम नहीं था, इतने सारे काम करती थी। क्या बाथरूम सिंगर थी? बेडरूम कह ले। ओके ओके, बेडरूम सिंगर थी आप। स्कूल कॉलेजेस में नाते वगैरह? हाँ, मिला नहीं कभी नहीं। अब पढ़ी है मैंने दो नाते। अब पढ़ी है अभी रमजान। अचानक ही आपने स्टार्ट किया? सीखा नहीं आपने? हाँ नहीं, सीख रही हूँ। सीख रही हैं? कोई है इस पे आपका उस्ताद? अच्छा, रियाज यानी तो रियाज वगैरह सारे का रियाज है। सारे थर्सडे और वेनेसडे को हमारा रियाज होता है। वेनेसडे एंड थर्सडे, दो दिन। ठीक है, कितनी देर तक? रात 9 बजे से 12-1 बजे तक हम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और आपके अपने कोई पोइट्री अपने सॉन्ग्स अगर आपने अभी? नहीं, अभी लिख रही हूँ। अभी लिख रही हैं? पोइट्री भी करती हैं आप? पोइट्री जबरदस्त जबरदस्त। करती नहीं, बस कर रही हूँ। करना चाहिए, करना चाहिए, करनी चाहिए। कहाँ बुधायो आमना चुप थी गया सफा वाला छो बस मैं बुधा पे ही सॉन्ग्स वगैरह सिंधी में तो सगला है पे। आप दोनों हमारे सिंधी की बातें सुने, सिंधी में गपशप सुने। मुखे उर्दू समझ में इंदी आ ता के उर्दू गलहण में इंदी आ सदसी उर्दू एक्टिंग में उर्दू समझ में भी कोचे थी तम उर्दू गल है पिता मैं उर्दू में काफी ड्रामा किया है ना। सोलो परफॉर्मेंस ता मुखे उर्दू में करे दिखा दो अकेले में को भी ना हो जी होना ना अकेले में करे वर्दी हाँ इट्स योर टर्न। अच्छा हाँ रे मुझे बता पेरी उर्दू में पसंदी में जज साहब मेरे बच्चे मुझसे ना छीने मेरे मेरे रहने की यही वजह है मैं जिंदा हूँ तो इनकी वजह से ही हूँ मुझसे ना छीने मेरे बच्चे प्लीज मैं आपके आगे हाथ बांधती हूँ मुझसे मेरे बच्चे ना छीने मैं मर जाऊंगी कहाँ जाऊंगी मैं भटक जाऊंगी जज साहब मुझसे ना छीने मेरे बच्चे प्लीज बस इनका वधिक कर देंगे आखिर में लगा बोले यार लगा सच में रोने लगी आखिर में नकली वाला से बच्चा नहीं रोता ना आंख में आंसू होता है ना क्या मैं अपनी बेटी का समझ के जब रोती है ना आप जो झूठा रोती है मैं समझ जाती हूँ मम्मा झूठा नहीं रो तो ये आपने आंख में से क्या ठीक है हाँ सिंधी में कोई एक्ट कर दिखा रहे हो या अल्लाह या अल्लाह तान सा सिंधी में विड़ो वही सिंधी में हाँ सिंधी में विड़ोस ना आपको सिंधी बोलना आती है वैसे? नहीं आप समझ आप सोलो परफॉर्मेंस करें। अच्छा तमा अकेले में प्लानिंग ठा तो तांगे की मारिंदो जहर दिंदो सोलो परफॉर्मेंस करे खा सिंधी में सबर कर सबर कर सबर जहर जी सबर करो शीशी गुराया ती पई मैं जहर घुराए इन रन के मारींदस दिसो वे ही मुंजे सोतन बंजी आई आ मां दिसा के इन के सोतन बंजे की है खाना मत आप कुछ खाइएगा मयो सुपर कार्ड प्लस फेसबुक फ्री प्लीज या फैसिलिटी अवेल के ये सान जो जबरदस्त प्रोग्राम दिसना रहो सा सगड रहो पहले प्रोग्राम में सलाम सिंध मुंजे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध।
वेलकम बैक व्यूअर्स अच्छी वैसी नंगड़ी साही कब आवाजे पहनजे प्रोग्राम में नीलम जो प्रैक्टिस हले पई जारी या प्रैक्टिस ऑन ईयर शो में भी असा मन जे को ऑफ ईयर लाइव शो में भी प्रैक्टिस हो रही है करना नहीं हुई है पर असल में इसकी वजह होती है एक इसकी वजह बहुत बड़ी ये होती है कि जब हम न्यू सिंगर और म्यूजिशियंस मिलते हैं तो उनकी मैचिंग होना बहुत जरूरी होती है तो वो इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर म्यूजिक प्रॉपर करना पड़ता है हाँ क्योंकि जाहिर सी बात है हम जिनके साथ प्ले कर रहे होते हैं तो उन्हीं के साथ प्रैक्टिस होती है बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि नहीं होती है मैं ये बोल रही हूँ कि आपको पता ही था कि मैं ऑन एयर भी आ गए बिल्कुल आपको आपके व्यूवर्स देख रहे हैं जी जहानारा जी जहानारा अच्छा नहीं चला छोड़ बच के रहना जरूरी देने वाली नीलम आपने कभी एक्टिंग की एक्टिंग एक्टिंग जी यस की है अच्छा इसी इसी चैनल से मेरी बेटी छोटी 5 इयर्स की ना तो उसकी पैदाइश से पहले मैंने यानी 6 साल पीछे चले जो बकरा ईद की चांद रात को मेरा यहाँ अच्छा ड्रामा होता बगावत ना ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना एक्टिंग करके दिखाए ना एक्टिंग अभी नहीं नहीं अभी नहीं करवाए सौतन आपको एक्टिंग जरूर करनी पड़ेगी आप भी सौतन बन जाए ये सही माँ का किरदार कर दे आप जैसे अपनी बेटियों को पेश कर रही थी माँ का किरदार जैसा ये मेरे बच्चे हैं ये मुझे चाहिए इनको मैं रख सकती हूँ इनको मैं पाल सकती हूँ ये मेरे पास रहेंगे ये इनके साथ नहीं जाएंगे बस बस ये क्या था और जज के पीछे क्यों पड़े इनका सुना तो मेरे दिमाग में आइडिया आ गया मेरे को यही बोलो कोई इमोशनल कोई दुख के साथ कोई मतलब अभी तो मैं दुखी नहीं हो सकती अच्छा दुख का टाइम होता है आपका कोई दुख हो तो बंदा वैसे आप मुझे बताए क्या टाइमिंग्स होती है आपके दिल में दुख की पता नहीं कभी कभी हो जाता है बस कभी कभी हो जाता है ठीक है ठीक है आपकी बेटियां फिर आपको देती है सहारा माशाल्लाह ज्यादा दुख किस बात का होता है आपको बस घर पर तो कोई ऐसी मसला नहीं वैसे आपकी पर्सनालिटी सेंसिटिव है आप सेंसिटिव बहुत ज्यादा है बस लोगों के झूठ से बस दुख होता है ज्यादा खुशी किस बात से होती है आपको ज्यादा खुश कब होती है जब अपने या प्राय कोई भी हो जब बहुत से लोग हम लोग मिलते हैं तब अच्छा गैदरिंग्स में गैदरिंग्स में गैदरिंग्स में ओके शोर शराबा लम्हे नहीं आते दोबारा अच्छा तो वो जब हम मिलते हैं चाहे वो आपने क्या रोल किया था यहाँ पे जब आपने एक्टिंग की थी मैंने मेन मरकजी किरदार था और ना ही दुआ करती थी शायद अब भी हो या नहीं तो वो मेरे साथ थी और एक गुंडे से अंकल होते थे वो मेरे साथ थे गुंडे से अंकल वही गुंडे तब आप आंटी थी आंटी नहीं थी आप नहीं वो ड्रामे में भी मेरे अंकल गुंडे ही थे अच्छा ठीक है ओके 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 तो आपको कोई डायलॉग याद नहीं है तब का नहीं अभी नहीं याद अभी नहीं 6 साल ओके बढ़ाई उतार के बड़ी इनको याद है वैसे ये बात है कि रेड कलर तो आपका है ना वो क्यों पहन के बैठी है चुराके पहना ये क्या बात नहीं नहीं ये मेरा अपना है मैंने चुराके नहीं पहना नहीं नहीं तो ये मेरा हक था मैंने पहनना था आपने क्यों पहना ये रेड कलर तुम्हारा क्यों हक है मेरा हक है मैं भी पहनूंगी भाई सब तुम पहनेगी क्या तुम पहनोगे तो मैं बुड्ढी हूँ स्वागत हूँ पहली कौन है मुझे पता है अब पता चल गया कि अब पता चल गया कि एक्टिंग है अब पता चला आपको नहीं नहीं मतलब पहले से पता था वो जब एक बात हो रही थी तो मैं समझी कि रियल लाइफ में इनकी कोई सौतन है नहीं, नहीं मुझे ये लगा था ऐसे उनको अपनी सामान में रखे वैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है बहुत ज्यादा फैशन हो गया फैशन फैशन दूसरी शादी परमिशन दो एक्चुअली हम इसको इसके खिलाफ नहीं जा सकते इसके काफी डिफरेंट रीजंस होते हैं कोई फिर भी अपनी जिम्मेदारी और एक अच्छे फादर की तरह अपना रोल प्ले करते हैं कोई सिर्फ शौकिया करते हैं कोई तो जस्ट शो ऑफ और इस टाइप के बहुत डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं हम सिर्फ एक नजर से किसी चीज नहीं देख सकते और सिर्फ हमेशा आदमी गलत नहीं होता औरत भी गलत होती है जिसकी वजह से सेकंड मैरिज होती है बिल्कुल और ये जो शादी के बाद चिड़चिड़ापन आ जाता है ना कपल में उसको हैंडल करना बहुत हार्ड होता है जिसको करना चाहिए नहीं काफी ऐसे हैं कि दो दो बीवियां साथ में रखे हुए
काफी लोग ऐसे हैं। अच्छा एक ही घर में, एक ही घर में, लेकिन वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करते होंगे ना। नहीं वो घर से नहीं होते होंगे ना, अमूमन ये है घर पे नहीं होते होंगे। एक ही घर में दो मैंने देखे। अच्छा आप मुझे ये बताया कि आपने जो अपनी पोएट्री की है वो किस टॉपिक पे की है? बस सॉन्ग है, म्यूजिक लवर हूँ तो लव के ऊपर ही कुछ है। ओके जहाँ आप मुझे बताएं कि आपने करियर के हिसाब से क्या देखती हैं। आप फील्ड में तो आई हैं, आपको 2015 से आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो आप अपने आप को 4-5 साल के बाद कहाँ देखती हैं? आपने अभी से ही काफी अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है और काफी अच्छे ड्रामास में। वेयर यू सी योरसेल्फ आफ्टर 3 to 4 years? शायद मैं हाउसवाइफ होंगी। ओके दिस इज जस्ट इंटरेस्ट। हाँ ये सिर्फ शौक के लिए, फ्यूचर ओरिएंटेड वो नहीं। नहीं मुझे कुछ इतना क्रेज नहीं। अच्छा मार्जिन हो किसी कैरेक्टर में कर लेती हूँ ठीक है, ये नहीं है कि मुझे हर हाल में इसको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आगे जाहिर है हर इंसान ने अपना फ्यूचर देखना होता है, फैमिली बनानी होती है। मूवीज वगैरह में इंटरेस्ट है, अगर फिल्म वगैरह कोई आपको ऑफर हो? बिल्कुल है, अगर कोई अच्छी कैरेक्टर हो प्रॉपर तो मैं बिल्कुल करूँ, कोई इशू नहीं। अच्छे कैरेक्टर के हवाले से क्या कैरेक्टर हो, मतलब विलन का कैरेक्टर ना हो? नहीं विलन का भी अगर उसमें मार्जिन हो परफॉर्मेंस का बिल्कुल मैं करूंगी, बस मार्जिन होना चाहिए जो भी कैरेक्टर। इवन अगर जैसे आपको पता है आयशा खान का जो भी कैरेक्टर है इसमें मेरे पास तुम हो, उसमें लोग कितना हेट कर रहे हैं उस किरदार से। और यारियां एक ड्रामा उनका था। हाँ मतलब ये कि ये तो किरदार है, ये तो कामयाबी है ना, कामयाबी है कैरेक्टर की, कामयाबी है कि उसे हेट कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो फिर वो क्या कैरेक्टर का, फिर वो नहीं मतलब उस तरीके से आपने कैरेक्टर रोल प्ले नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप नेगेटिव रोल्स करना चाहेंगी? क्योंकि कुछ लोग होते नहीं यार मैं नेगेटिव रोल्स नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। नहीं मैं अपने ऊपर कोई छाप नहीं पड़ने देना चाहती, जो भी हो मैं करना चाहती हूँ। अच्छा काम मुझे ये नहीं है कि सिर्फ मुझे एक लाइन में चल रहा है, जो भी मुझे अच्छा लगे। डिफरेंट रोल्स बिल्कुल। कॉमेडी आपको कैसे लगती है? आप कॉमेडी अभी लाइक कर रही हैं तो उसमें आप कैसे हंसाएंगे? आपको हंसाना आता है कॉमेडी आप एपिसोड में ड्रामा में कैसे हैं? मुझे लगता है आता है मुझे, क्योंकि मुझे अभी अपना एक सीन याद आया मैंने इनके साथ किया था आंटी पॉलर वाली, जब हम कर रहे थे ना आज इंटरटेनमेंट से, तो उसमें सलीम महराज साहब थे, तो मेरा ये है उसमें कैरेक्टर ये था कि मैं चाह रही हूँ मेरी शादी हो जाए और शादी नहीं हो रही ना, सबकी शादियां हो रही हैं, सबकी सेटिंग्स हो रही हैं, मेरा जो कैरेक्टर था उसकी शादी नहीं होती थी। अच्छा। उस बंदी की। हाँ। तो वो ना अब कभी किसी के पीछे पड़ी है कभी किसी के, आखिर में सलीम महराज साहब ना वो थोड़े ना वो कोई नशावर चीज खा लेते कोई मेडिसिन, उससे वो सुन हो जाते हैं। अच्छा। अब वो जरा मुझमें उन्हें कोई और अपनी लवर नजर आ रही होती है, तो वो समझते हैं ना वो मुझे वो समझ के बात कर रहे होते, मैं समझती हूँ अल्लाह चलो यहाँ मामला मेरा सेट हो गया। इसको कंटिन्यू करते हैं छोटी ब्रेक के बाद। यू फोन सुपर कार्ड प्लस जी ऑफर अवेल कयो, फेसबुक फ्री है पूरो मंथ, आई असा सगड रहो प्रोग्राम दिसना रहो ने डिसाइड ते वणो ता असा सगड रह जो पंजो प्रोग्राम दिसना रह जो सलाम सिंध। वेलकम बैक व्यूवर्स, चिव्या सिंह नरेसाही का पो अवने पहंचे प्रोग्राम सलाम सिंध में। यू फोन सुपर कार्ड प्लस फैसिलिटी अवेल कयो आई हर जगह ते फ्री फेसबुक यूज कयो असन सगर जगह असन जा अज गेस्ट आहन उनन मा जको असन गेस्ट जका गेस्ट आहे असन जी जहान आरा वो कुछ बुधाए पे पने कॉमेडी पर्सनालिटी जे बारे में प्लीज कंटिन्यू करें। अच्छा मैं आपको बता रही थी कि जैसे उसमें मेरा कैरेक्टर मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ। नहीं जैसे उस हीरो को आप में उसकी गर्लफ्रेंड नजर आ जाती हाँ, है तो वो ही था उसी तरफ आ रही थी, तो उसमें ये होता है कि मेरा जैसे मैं ठीक नहीं बोल पाती अक्सर मैं हर वर्ड के आखिर में एस लगा देती हूँ, तो वो सलीम महराज साहब लाइक सलीम टून खड़े होते, उनका नाम होता है चंदा बाबू। हाँ चंदा बाबू। तो मैं उनके पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ यार ये ना ये बंदा सही कैसे बोलती है, वैसे बोल के मैं बोलती हूँ चंदा बाबू आप मेरे ड्रिंक्स लाइक्स है ना, मैं आप लिए बना के लेकर आई हूँ, तो वो पी लेते हैं घट घट के। तो कहते हैं अच्छा उन्हें मैं अनारकली नजर आ रही हूँ ना, तो मुझसे कहते हैं अनारकली तुम मुझसे छीन तो नहीं लोगी ना, बोलते नहीं 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 लिल्ला ये मैंने आप ही के लिए बनाया, आप पीजिए पीजिए ड्रिंक्स करें, तो पी लेते हैं ना। तो फिर वो मैं कहती हूँ मैं जान की मैं अनारकली बन जाती हूँ, जैसे वो समझ रहे होते मुझे, मैं कहती हूँ जान के अमान फाउंड खर्च करूँ, बोलते बोलो अनारकली,
मैं बोलती आपने मुझसे जो मैरिजेस का प्रॉमिसेस किया वो आप पूरा तो करेंगे ना, तो बोलते हाँ बिल्कुल. तो फिर मैं कहती हूँ आएंगे ना चले, फिर आंटी जो होती है आंटी को बताएं चल के जो उस घर की पॉलर वाली आंटी, इस तरह से ना बहुत जबरदस्त ड्रिंक्स और लाइक्स बड़ा जबरदस्त. दिल तो नहीं कह रहा मेरा कि प्रोग्राम खत्म करें आप लोगों के साथ, पर यह है कि प्रोग्राम का टाइम जो है वो हमारा अब खत्म होने वाला है, थोड़ा सा ही रह गया है, जिसमें मैं चाहती हूँ कि आप मैसेज दे दें कोई अच्छा. मैसेज मेरा यही है कि सब, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि बहुत वक्त के साथ साथ नेगेटिविटी होती जा रही है लोगों में. आप सब साथ बैठे होते हैं लेकिन जैसे ही उठ कर जाते हैं बैक बाइटिंग शुरू हो जाती है. तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज ये चीजें छोड़ देना, दुनिया चांद पर चली गई है और हम यहाँ पर बैक बाइटिंग में लगे हुए. ब्यूटीफुल मैसेज जी अम्मा, तांजो मैसेज. मैं यही चंदस तमाकी जो ख्याल कयो माँ सिवा कुछ भी कोने, माँ पी आहे तो हर शे आहे न तो कुछ भी कोने, प्लीज माँ पी जो ख्याल करियो. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही जी, बिल्कुल सही कह रही है. रिश्तों का ख्याल करे, सब रिश्तों को अपनी अपनी जगह, उनको पूरा पूरा बिल्कुल नीलम बिल्कुल सबको उनकी जगह दे, सब को उनके रिश्ते के मुताबिक उनके साथ रिश्ते के मुताबिक होना चाहिए. बहुत जबरदस्त मैसेज, थैंक यू सो मच. आप लोग आए बहुत अच्छा लगा. यूफोन सुपर कार्ड फेसबुक फ्री, यूफोन सुपर कार्ड प्लस फेसबुक फ्री प्लीज जरूर यूज कयो, ऐं फैसिलिटी अवेल कयो. अज जा मैसेज ॾाढा ज़बरदस्त हुया, त बैक बाइटिंग न कयो ऐं पंहिंजे पेरेंट्स जो ख़्यालु रखो ऐं वाकई ख़ुशि रहो ऐं ॿियनि खे बि ख़ुशि रखो. असांजो प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे, का मोकिलाणी कोन्हे. सुभाणे इन प्रोग्राम में असां गॾु हूंदासीं. पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, हक़ मौजूद, अलावाही सिन सलामत, साथ सलामत. जी नीलम.